बड़ी खबर है जयपुर डिस्कॉम से इस वक्त की बड़ी खबर। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए नए बिजली दफ्तरों का गठन। बजट घोषणा की क्रियान्वयन में 3 नए सर्किल, 2 अधिशासी अभियंता कार्यालय, 3 सहायक अभियंता कार्यालय और 1 जेईएन कार्यालय का गठन। डिस्कॉम एमडी आरएन कुमावत के निर्देश पर विस्तृत आदेश जारी हुए हैं। जेसीसी साउथ, जेपीडीसी साउथ और भिवाड़ी में खोला गया है नया सर्किल। इसके अलावा नगर उच्चैन में एक्सईएन ऑफिस, रोजड़ा, सुरोच, मासलपुर में एईएन दफ्तर, सीकरी में खोला गया है नया कनिष्ठ अभियंता कार्यालय। तो उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए नए बिजली दफ्तरों का गठन किया गया है और कहां कहां पर गठन किया गया है वो जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बजट घोषणा की क्रियान्वयन में 3 नए सर्किल, 2 अधिशासी अभियंता कार्यालय, 3 सहायक अभियंता कार्यालय और 1 जेईएन कार्यालय का गठन किया गया है। विकास शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, क्योंकि लगातार घोषणाएं तो हो रही है लेकिन अमल में भी तो लाया जाए, और इसी कड़ी में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए नए बिजली दफ्तरों का गठन किया गया है। देखिए, बिल्कुल, जो ऊर्जा जो जिस तरह से ऊर्जा विभाग की बजट घोषणाएं की गई थी, उन बजट घोषणाओं के पालना के अंदर जब नए बजट घोषणाओं के अंदर जो नए दफ्तर खोलने की जो घोषणा की गई थी, उसी घोषणा के तहत आज आदेश जारी कर दिए गए हैं। वो जो आदेश दिए गए उस आदेश के तहत 3 सहायक अभियंता, 3 सर्किल ऑफिस जो है उनका गठन किया गया है, जिसमें कि जेसीसी जयपुर शहर के अंदर 2 सर्किल निकाले गए हैं, उसके अलावा जयपुर ग्रामीण जो कि जेपीडीसी सर्किल है उसको भी 2 सर्किलों में तोड़ा गया है। अलावा भिवाड़ी का एक डेडिकेटेड सर्किल जो है बनाया गया है, तो 3 सर्किल बनाया गया है, 2 डिवीजन कार्यालय बनाए गए हैं, उसके अलावा 3 सहायक अभियंता कार्यालय। ठीक है विकास।